आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदवी स्वराज 350वां वर्ष समारोह, कृषि वैज्ञानिक विशेषज्ञ गिरीश राय की अध्यक्षता, कथावाचक अरुण अतुल रामायणी की के मुख्य अतिथि और प्रांत कार्यवाहक महाकौशल प्रांत सुनील देव इसमें मुख्य प्रवक्ता रहे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए शोक सोनी की रिपोर्ट। आइए हम सुनाते हैं क्या कह रहे हैं वक्ता। देखो कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहा, भटक तो नहीं रहा है। तो कहते हैं एक भिक्षुक का रूप बनाया, और मैं क्षमा चाहूं, मैं भिक्षुक कह रहा हूं, भिखारी नहीं कह रहा हूं। मैं दोनों में बड़ा अंतर होता है। भिक्षुक और भिखारी लगते तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन बड़ा अंतर होता है। बोले अंतर क्या है? अंतर यह है कि भिक्षुक वो है जिसके पास है तो कुछ नहीं लेकिन चाहिए भी कुछ नहीं, और भिखारी वो है कुछ नहीं लेकिन चाहिए सब कुछ। वो भिखारी है ना, आठ आने की अगरबत्ती और 5.5 रुपए का नारियल, और इतना चढ़ा के सुख संपत्ति खावे आपे कष्ट मिटे तन का। ये असली भिखारी है, 5.5 रुपए में सब चीज मांग रहा है। तो भिक्षुक का रूप लेके पहुंचे, और 500 वर्षों में हम देखेंगे तो जो भी राजा बना उसको पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य मिला, या उसने किसी ने अपने ही राजा को पदच्युत करके उसका राज्य स्वीकार किया, तो जीतने के बाद उसको सेना भी मिली, नायक भी मिले, शासन करने वाले योग्य व्यक्ति भी मिले। लेकिन शिवाजी के साथ ऐसा नहीं है। जैसा पहले वक्ता ने बताया कि प्रभु राम ने वनवासियों को एकत्रित करके और संगठित सेना करके उसमें से रावण का वध किया है। लेकिन उस शिवाजी का निर्माण कैसे हुआ? तो यदि शिवाजी को समझना है तो शिवाजी की कथा को समझना है, शिवाजी को समझना है तो माता जीजाबाई को समझना है। और उसलिए उसका एक छोटा सा चित्रण करने का मैं प्रयास करूंगा आपके सामने। घोड़ों की आवाज, उन घोड़ों की आवाज के बीच में एक बुलंद आवाज आती है, संभाजी मां कहां है, जीजाऊ कहां है? संभाजी जो शिवाजी का बड़ा भाई है, शाहजी राजे के बड़े पुत्र हैं, उनके साथ में हैं। वो थोड़ी दूर देखकर कहते हैं अभी मां दिख नहीं रही है। थोड़ी देर बाद कहता है अबा अबा मां आ रही है। मां जीजाऊ उतरी, मां जीजाऊ उतरी, और शाहजी राजे बोले यदि इस गति से चले तो हम पकड़े जाएंगे। जीजा माता कहती हैं आप सही कह रहे हैं, अब मेरे से तीव्र गति से चलना नहीं हो सकता है, और आप जीवित हैं, मेरा सुहाग जीवित है तो मैं जीवित हूं, इसलिए आप आगे निकल जाइए, फिर आपका क्या होगा? मुझे आप आपके साढ़ू भाई यही पास में रहते हैं विश्वास राव, उनके पास छोड़िए। नीति से चक्रव्यूह को ढीला भी कर लिया और बाद में अपने बेटे के साथ पलायन भी कर लिया, और 40 दिन में फिर से पहुंच गए रायगढ़ पर। औरंगजेब अपने सैनिकों से पूछता है, ऐसा वर्णन जानता राजा में किया गया है, वो जानता राजा में अपने सैनिकों से पूछते हैं ये शिवाजी गया कैसे, ये शिवाजी को भागना कैसे पड़ा? तो वो लोग उत्तर देते हैं घोड़े पर बैठ कर गया, हर 25 किलोमीटर पर घोड़े बदले थे उसने। अरे बोले 25 किलोमीटर पर घोड़े बदले थे पर शिवाजी तो एक ही था, वो कैसे गया? लेकिन शिवाजी घोड़े पर गए ही नहीं, शिवाजी तो सन्यासी के वेश में 40 दिन पैदल चलकर गए। वो भी इतिहास आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ा रोमांचक, बहुत आनंददायक इतिहास है। वो शिवाजी वहां पहुंचने के बाद मात्र 3 साल में अपने सारे किले फिर से वापस लेते हैं। उसमें से एक किला कोंढाणा है, जो अध्यक्ष महोदय ने वर्णन किया था, उनका वर्णन सुनकर मेरे मन में रहा नहीं, मैंने कहा मैं वैसे अपने सारे बौद्धिकों में इसको ले लिया पर यहां ले रहा हूं। वो इसलिए ले रहा हूं कि वो तानाजी कैसा था, शिवाजी का एक एक सैनिक कैसा शूरवीर था, उसका वर्णन है।